श्री शिवाय नमस्तु। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त। जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहाँ जिन जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहाँ पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, मैं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता। अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा नहीं ना? अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर। भगवान शंकर को माँ जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का, अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है, शनि कथा में पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर, हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ, जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मालूम पड़े, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछा तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। सूर्यनारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुण पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो, जरूरी है। कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिवपुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को माँ जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का, ए अन्नपूर्णे तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस घर पर एक स्त्री बेटी कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी, रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े हो क्या भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्रीमद भागवत कथा कह रही है तुलसी का मात्र, तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें, और सात या तीन कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में, और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम पहचान हो जाता। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ,
पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी, जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा कुटुंबी, वो मेरा पुत्र। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर जितने आस्था के नगर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कल करके देखना। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो, 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती गुस्सा। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है, जम के बोलिए जरा। शुक्रवार, तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है। शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है, तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए। उसके प्रसन्न होने का कारण क्या था, लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ कुछ करिए, प्रभु आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है, इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है, पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक, 10:30, 10:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन, जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है, इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है, इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती।
7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वास होता है, फिर 9 बजे के बाद में प्रेत वास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है महाराज, कुबेर का निवास। प्रयास करा करो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दीप। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रदान। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जमाता लक्ष्मी कहने लगी, तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हां लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई, सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना, चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं।
माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण हो गए। लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देखकर लक्ष्मी को पूर्ण बनाया। शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, छह फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहाँ वाले बाबा के पास होया, वहाँ वाले बाबा के पास होया, उसके पास होया, उसके पास होया। जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मार कर निकाल देंगे, दो चार आठ दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना, वैसा करना, बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं, हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें, हम क्यों भ्रमित हुए। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है, गोल कुंडा है ऐश्वर्य, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वंश बड़ा षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं, क्यों कि यही तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यही शंकर जी को चढ़ा देंगे, दोष। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्फ देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं इसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को। कैसा कुंड हो, सात तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है, पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, तीन कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो तीन कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। पांचवा, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहती है, क्यों, घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई स्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा, इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का। वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। पांच मारा, छठा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करते हैं। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले, चार दिन बाद ये काम होने वाला है, आठ दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है। सात क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताओ, तुलसी का सातवां क्रम, तुलसी का सातवां क्रम है। महाराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहाँ तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता,
कल्याण का तुलसी अंग यहाँ तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड चौकोर वाला बोल नहीं चौकोर कुंड रखकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान कर फिर कल लेकर आए फिर विराजमान कर आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महीना उसका फल हजार गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए तो कहते हैं उस घर में वैभव सत्ता संपदा लक्ष्मी समृद्धि शांति की कभी कमी नहीं है कभी प्राप्ति सुख की आनंद सात तरह के कुंड सात तरह के तुलसी के रोग का वर्णन हमारे यहाँ विष्णु पुराण में किया गया। आप किस भाव से कर रहे हैं ये आप महाराज स्त्रियों के नारियों के जितने भी रोग होते हैं बीमारियां होती हैं रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गुलर का फूल अर्थात जो देवी जी को माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का गुलर का फूल माता के चरणों को छुआ कर तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर जो नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है तो तीन दिन में उसको दो दिन में आराम लग जाता है दो या तीन दिन तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला कर की माला ना भी रखें तो घट की माला तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी तो 21,600 श्वास